ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਵਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ LOC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾਂ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਸੇ ਜਾਏ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸੇ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ अगर आज दिल्ली की संगत या समूह सिख संगत यह सोचती है कि यह अपनी इस आदत तो पिछे हट जाएंगे मेरे ख्याल नहीं हटेंगे दे विल रिमेन लाइक दिस ओनली पर आज समूह सिख संगत एक टक होके देख रही है अकाल तख्त वाल अकाल तख्त इतना पवित्र स्थान छेवें पातशाह साहब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने उस वक्त नू देखदिया होया धर्म और राजनीति नू एक डिफाइन करने वास्ते उहदी रचना की सी गुरु साहब ने जदों उहदा आर्कीटेक्ट किया सीगा जदों थड़ा साहब बनाया सीगा उस टाइम जहांगीर पावर विच सीगा जहांगीर ने यह कहा सीगा कि मेरे तो उत्ते थड़ा किसी का नहीं होना चाहिए अगर किसी का होएगा सिंहासन होएगा तो मैं उसकी गर्दन कलम कर दाँगा लेकिन महाराज दे अगे एक बहुत वड्डा प्रश्न चिन्ह सीगा कि जो चाह रहे सीगे अकाल तख्त नूं बनाने वास्ते वह उस दी रचना जो है उस तो उच्च ही होनी सीगी फॉर एग्जाम्पल जहांगीर का 10 फुट का अगर सपोज सीगा सिंहासन सीगा तो गुरु साहब ने वह 12 फुट का बनाया सीगा उहदा कारण की सीगा महाराज कहिंदे आ कि जदों मैं न्याय की गद्दी 'च बैठा तो मैं सामने गुरु साहब के दर्शन हरिमंदर साहब दे विच कर सका पर जदों मैं हरिमंदर साहब के अंदर बैठा तो मैं चाह के भी अकाल तख्त वाल ना देख सका कारण कि जदों मैं न्याय कर रहा तो मैं धर्म नूं देख के करा और जदों मैं धर्म की गद्दी 'च बैठा तो मैं राजनीति वाल ना देखा अज असी कित्थे हाँ अज सारा सवाल जो है साढ़े अकाल तख्त के जथेदार दे उत्ते है जथेदार हरप्रीत सिंह जी कित्थे हो तुसी तुहानू यू आर ए रेप्लिका ऑफ भाई गुरदास जी सोच के देखो अज भाई गुरदास जी के बारे की सोचेंगे अगर तुसी इस तरह बिहेव करोगे यू हैव बिकम ए केज्ड पैरट तुहानू जिस तरह ट्यून किया जा रहा रिमोट कंट्रोल दे नाल क्या तुसी उसी तरह ही बोलोगे यह बहुत वड्डा अपमान है सिख पंथ का मैं जानता कि तुसी इस तरह कभी नहीं करोगे पर साड़ी उम्मीद तुहाडे तो बहुत कुछ है अगर तुसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चलोगे इंडियन जुडिशली सिस्टम में चलोगे तो वो तो इट इज़ ए बिग प्रोसैस उस तुसी चोर की डकैत की मर्डर की वह भी तुसी ठीक ठाक साबित कर दोगे जी वो जो है मुजरिम नहीं है पर जनता की कोर्ट के सिख की कोर्ट के अकाल तख्त के जत्थेदार हो तुसी चुप क्यों हो क्या तुहानू नहीं लग रहा अज जिस तरह के नोटिस इशू हो रहे कोर्ट वालों क्या वो सारे फेक हैं मैं कहना उद्देश 1% भी सच्चाई है डू वी हैव ए मोरल ग्राउंड टू सस्टेन अवर कुर्सी नो ऑन बेसिस ऑफ मोरलिटी ही शुड रिजाइन इमीजिएटली अगर वो नहीं करते हैं जो पावर सिख संगत ने तुहानू दिती है एज ए जत्थेदार वाई यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट पावर क्या क्या मजबूरी है ऐसी मैं उम्मीद करदा जथेदार जी सारी सिख संगत की अखां तुहाडे उत्ते हैगियां इस वक्त कृपा करके एक्ट करो और इतना लेट ना कर दो कि क्योंकि विश्वास अकाल तख्त का जो सिख संगत के प्रति बनया होया वह उठ जाए बिल्कुल ठीक क्योंकि कितने ना कितने अकाल तख्त साहब की होने पर भी प्रश्न चिन्ह जिहड़ा हैगा संगतां दे मनां विच पैदा होंदा है और गल बलजीत जी ने बड़ी वधिया कीती कि उन्हां नूं अपना जिहड़ा रसूख है अपनी मर्यादा है उहनूं देखदे होए जरूर कुछ ना कुछ कदम चुकना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद अगले फिर किसी प्रोग्राम में जरूर साझ करांगे फतेह जावांगे वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह जी